नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा की मृत्यु कैसे हुई और क्यों कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी तोड़ी। आज हम उस कथा के बारे में बात करेंगे जिस कथा से काफी लोग अनजान है। आप सभी यह तो जानते ही होंगे कि श्री कृष्ण का विवाह राधा से नहीं रुक्मणी और सत्यभामा से हुआ था। श्री कृष्ण के विवाह के पश्चात लोगों ने श्री कृष्ण पर प्रश्न उठाया कि तुम अगर राधा से प्रेम करते थे तो तुमने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। श्री कृष्ण ने सभी के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि प्रेम और विवाह दो अलग अलग चीजें हैं। प्रेम मनुष्य की निस्वार्थ भावना से उत्पन्न होता है, जबकि विवाह एक समझौता कहलाता है। जब भी पौराणिक कथाओं में प्रेम की बात होती है तब कृष्ण और राधा के प्रेम की मिसाल दी जाती है। कृष्ण और राधा के प्रेम को परमात्मा का मिलन कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में यह वर्णन किया गया है कि जब कृष्ण केवल 8 वर्ष के थे तभी श्री कृष्ण और राधा के बीच प्रेम का संबंध था। राधा श्री कृष्ण के सभी देवी गुणों से परिचित थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल दो ही चीज प्यारी थी, एक उनका प्रेम राधा और एक उनकी प्रिय बांसुरी, क्योंकि केवल बांसुरी की ही धुन सुनकर राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी। राधा की ही वजह से श्री कृष्ण सदैव अपने पास बांसुरी रखा करते थे। श्री कृष्ण और राधा का अलग होना। श्री कृष्ण और राधा पहली बार तब अलग हुए थे तब श्री कृष्ण अपने मामा कंस के आमंत्रण को स्वीकार कर मथुरा पहुंचे थे। यह खबर सुनकर वृंदावन के लोग अत्यंत दुखी हुए। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिलने पहुंचे, लेकिन कृष्ण और राधा के बीच कोई बात नहीं हुई। वह केवल मन ही मन में अपनी सारी व्यथा समझ पा रहे थे। कृष्ण राधा से यह वादा करके गए थे कि वो वापस लौटकर आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण राधा के पास वापस लौटकर नहीं आए। कुछ समय बीत जाने के बाद कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ हो गया। रुक्मणी भी श्री कृष्ण से बेहद प्रेम करती थी। वह कृष्ण से विवाह करने के लिए अपने भाई के खिलाफ चली गई। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा ने कृष्ण को वृंदावन छोड़ने से पहले कहा था कि भले ही कृष्ण मुझसे दूर चले जाए लेकिन मन में हमेशा कृष्ण ही रहेंगे। यह सब होने के बाद श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस और सभी असुरों का वध कर दिया और अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए कृष्ण द्वारिका चले गए। कृष्ण ने द्वारिका की राजगद्दी संभाली और अपनी प्रजा को संभालने में व्यस्त हो गए और उनकी शादी भी हो चुकी थी। इधर श्री कृष्ण की राह देखकर राधा थक चुकी थी। उसके बाद राधा का विवाह एक यादव के साथ हुआ। राधा ने अपने पत्नी होने के सारे दायित्व निभाए और वो वृद्ध अवस्था में जा चुकी थी, लेकिन राधा का मन अभी भी श्री कृष्ण को चाहता था। सारे कर्तव्य को पूर्ण करने के बाद राधा अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची और उन्होंने कृष्ण के विवाह के बारे में सुना, परंतु वह दुखी नहीं हुई। श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। कृष्ण और राधा ने मन ही मन में बहुत देर तक बात की। राधा की विनती करने पर श्री कृष्ण ने उन्हें महल की देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा अपना सारा समय महल में व्यतीत करती थी और महल का सारा काम देखती थी और समय मिलने पर वह श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। लेकिन राधा श्री कृष्ण के साथ पहले जैसा जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह महल से दूर चली गई। लेकिन समय बीतने पर राधा बिल्कुल अकेली पड़ गई। उस समय राधा को श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। राधा के आखिरी समय में श्री कृष्ण राधा के सामने आ गए और श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वह कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के फिर अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने राधा की बात मानते हुए बांसुरी बजाना शुरू किया। श्री कृष्ण ने राधा के लिए दिन रात बांसुरी बजाई। तब तक राधा उस धुन में विलीन न हो जाए। बांसुरी की मधुर धुन सुनते हुए राधा ने अपने जीवन का त्याग कर दिया। हालांकि श्री कृष्ण यह जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, परंतु श्री कृष्ण अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने यह बांसुरी तोड़ दी। उसके बाद श्री कृष्ण ने कभी भी बांसुरी को हाथ नहीं लगाया। कहा जाता है कि जब नारायण ने श्री कृष्ण का अवतार लिया था तब माता लक्ष्मी ने राधा का अवतार लिया था ताकि वह मृत्यु लोक में भी साथ रह सके। आज हमने जाना कि विवाह के बिना भी प्रेम सदैव अमर होता है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम गंगा की तरह पवित्र था। राधा ने अपने पतिव्रता पत्नी का भी कर्तव्य निभाया और कृष्ण से सदैव प्रेम भी किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।